नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। आने पर प्रतिदिन साइबर ठगी की वारदात सामने आ रही है और इसी कड़ी में जयपुर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सामोद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देश में साइबर ठगी करने वाली एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड समेत 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यूपी में अलग अलग ठिकानों में किराए का मकान लेकर रहते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 से ज्यादा फर्जी सिम, फर्जी दस्तावेज और करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही विभिन्न बैंकों की पासबुक और चेकबुक भी इन शातिर ठगों से बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि सामोद में रहने वाले परिवादी राजीव चौधरी के अकाउंट से 22 बार में करीब 7,19,000 रुपए निकल गए, जबकि परिवादी ने किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया था। जैसे ही पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया तो पूरे इस गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। बूंदी के केशवराय पाटन थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर टैंकर के पीछे एक कार ने टक्कर मारी। इस हादसे में कार सवार एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। केशवराय पाटन थाने के एएसआई शिवराज ने बताया कि उंडवा निवासी कुछ लोग कमलेश्वर महादेव के दर्शन कर गांव लौट रहे थे, तभी आगे चल रही टैंकर को कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद सभी घायलों को कोटा रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाड़मेर के सेड़वा के सारला गांव में पिकअप पलट गई। इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। ये सभी बच्चे स्कूल से घर जाने के लिए पिकअप में सवार होकर आए थे। इस हादसे में कई बच्चों को गंभीर चोटें लगी हैं। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने बच्चों को सेड़वा अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टर्स ने कई बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर किया। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीएम और पुलिस भी मौके पर पहुंची। भरतपुर के बयाना में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है और इसी के तहत गांव से कोटा जा रहे एक रेलकर्मी को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने उससे जमकर मारपीट की और नकदी, मोबाइल, एटीएम लूटकर फरार हो गए। मारपीट में रेलकर्मी घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घटना की सूचना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां गढ़ीबाजना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 पेटी अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सामंतगढ़ के जंगलों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही आरोपी की बाइक भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू की है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां केली गांव के पेट्रोल पंप पर सुनियोजित तरीके से लूट को अंजाम देने आए 3 लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। पार्श्वनाथ फिलिंग स्टेशन के प्रोपराइटर प्रवीण जैन ने बताया कि लुटेरे पेट्रोल भरवाने के बहाने आए थे। इस बीच उन्होंने ऑफिस के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया। साथ ही तीनों बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी शिव सिंह की जेब से जबरन 2,500 रुपए लूट लिए। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंचे ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अलवर के रामगढ़ के दोहली ग्राम पंचायत के यादव नगर में विद्युत विभाग के सतर्कता दल पर ग्रामीणों ने ही हमला कर दिया। सतर्कता दल विद्युत चोरी के मामले पर कार्रवाई करने गया था। सतर्कता दल को देखते ही ग्रामीणों ने मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों के हाथ में हथियार भी थे। हमलावरों ने सहायक अभियंता का आईडी कार्ड छीनकर उसके साथ भी मारपीट की। सहायक अभियंता ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं ग्रामीणों ने 2 कर्मचारी जितेंद्र यादव और राजेश कुमार के साथ मारपीट कर उनको बंधक बना लिया। सतर्कता दल के सहायक अभियंता हिमांशु मल्होत्रा द्वारा रामगढ़ थाने में राजकार्य में बाधा और जानलेवा हमले का मामला दर्ज करवाया गया है।
आठ दस लोग थे जिनमें से कुछ लोग है ना लाठी और गंडासी ऐसे लेकर के आ गए और उनको पीटने लगे। विजिलेंस के बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट करी, गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया और उसमें से दो लड़कों को पकड़ के बंद भी कर दिया उन्होंने, जिसको बाद में फिर पुलिस की मदद से छुड़ा के लाए। तो इस घटना की हमने FIR दर्ज करा दी थाने में और इसकी FIR नंबर 192/21 दर्ज की गई है और आगे उसके साथ में मेडिकल भी कराया गया। अब आगे कार्रवाई पुलिस कर दी। आज हम लोग दिनांक 10 अप्रैल को सुबह करीब 7 बजे फिलोरा यादव नगर में सतर्कता कर रहे थे, विजिलेंस कर रहे थे, बिजली चोरी पकड़ रहे थे, तो वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने एक साथ हम पे हमला बोल दिया और हमारे साथ मारापीटी करी, गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया और हम लोग जैसे जैसे वहाँ से जान बचा के निकले हैं, दो कर्मचारी हमारे बुरी तरीके से घायल किए उन्होंने। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में अवैध शराब के गोदाम में छापेमारी की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3.25 लाख रुपए की शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गोपालपुरा गांव में दबिश दी। यहां एक खेत में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई, साथ ही आरोपी भवानी सिंह जाट को गिरफ्तार किया गया। सूचना मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि गोपालपुरा किरोई में कोई मकान है, तो पूरे वहाँ पे कोई काफ़ी मात्रा में शराब रखी हुई है। तो मैं जाप्ता को इस सूचना के संबंध में जानकारी मिला करके मैं जाप्ते के गोपालपुरा आरोही भवानी सिंह चौधरी नामक व्यक्ति के मकान के पूछे तो वहाँ वो भागने का प्रयास किया, जिसको मैं जाते हूँ उसको पकड़ कर नाम पता पूछा तो अपना नाम भवानी सिंह सुनौ हरी सिंह जाति जाट निवासी गोपालपुरा होना बताया। सवाईमाधोपुर के मलाना डूंगर थाना क्षेत्र में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसकी बानगी जस्टाना हाईवे पर देखने को मिली, जहां चेक पोस्ट लगाने के बावजूद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर धड़ल्ले से अवैध बजरी का परिवहन किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद गंगापुर मोड़ और लालसोट कोटा हाईवे पर चेक पोस्ट स्थापित किया गया, लेकिन चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी बजरी माफियाओं पर कार्रवाई के नाम से कतरा रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बेलगाम होते इस परिवहन के लिए सड़कों पर अवैध बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रहे हैं, जिसके चलते आए दिन लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बाड़मेर के समदड़ी और आसपास के इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बजरी का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। लूनी क्षेत्र के दर्जनों गांव में अवैध खनन का मामला जोर पकड़ रहा है, जिससे सरकार सहित खनिज विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मामला गंभीर होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा, उनमें सिर्फ विजिलेंस विभाग टीम को खौफ है। खनन से बड़े पर किसानों समेत ग्रामीणों में प्रशासन और माइनिंग विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने माफियाओं पर कठोर कार्रवाई न करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली है। लूनी नदी में बजरी खनन हो रहा है, जिसमें माफियाओं के हौसले बुलंद है और हम जब शिकायत करते हैं तो हमें फोटो और वीडियो मांगा जाता है। तो हम लोग जब वहाँ वीडियो लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग सब रॉड टू रॉड ब्लॉक करके बैठे रहते हैं, अलग अलग आदमी अलग अलग चौराहे पे मौके पर बैठे रहते हैं। तो वो लोग हम वहाँ से निकलते हैं तो वो लोग हमारा हमको पकड़ लेते हैं और हमारा पीछा करते हैं और वहाँ पे फोटो लेने नहीं देते। अगर फोटो ले लेते हैं तो मोबाइल वगैरह तोड़ के भेज देंगे। अजमेर के किशनगढ़ थाना पुलिस ने एक ट्रक टायर लूट के मामले में करीब 40 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जब अपराध किया था उस समय उसकी उम्र करीब 18 साल थी। अजमेर SP जगदीश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 मई 1983 को किशनगढ़ थाने में निम सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर किशनगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, मगर दोनों आरोपी फरार हो गए। कई सालों तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन अब
पुलिस ने हरियाणा से आरोपी सुरेंद्र सिंह वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में फरार एक अन्य आरोपी राम अवतार की 2 साल पहले मृत्यु हो गई है। झुंझुनू पुलिस ने बगैर मास्क चालान काटने के दौरान एक और सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी में चोरी की एक बोलेरो जब्त की है, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। चिड़ावा सीआई लक्ष्मी नारायण सैनी ने बताया कि सिंघाना रोड पर बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे जा रहे थे, तभी एक बोलेरो सिंघाना की तरफ से आती हुई नजर आई। इस दौरान बोलेरो सवार युवकों ने पुलिस को देखकर रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। कोविड की जांच से और चालान के लिए हमारा पुलिस जाब्ता सूरजगढ़ मोड़ पर तैनात था। उस समय एक बोलेरो जो पुलिस जाब्ते को देख करके अंदर गली में घुस गई, जिसको हमें शक हुआ। पुलिस जाब्ते को उसको पीछा करके उनको पकड़ा, तो उसमें 2 लड़के मिले, जिनको गहनता से हमने पूछताछ की तो बताया कि ये जो गाड़ी है वो सतनाली से चोरी करना बताया है, और इस पर हमने अभियोग दर्ज कर लिया है और उनसे अन्य आरोपियों के बारे में उनसे आरोपियों से पूछताछ जारी है। वक्त है एक ब्रेक का, तुरंत लौट रहे हैं, आप देखते रहिए गांव की दुनिया। पाली के सुमेरपुर से है, जहां भगत सिंह सर्कल के पास स्थित एक मकान में मेडिकल स्टोर चलाने वाले युवक लक्ष्मण कुमार ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर एएसआई जीवन सिंह मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर राज्य के अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने मृतक के भाई चेतन कुमार की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। खबर डूंगरपुर के आसपुर क्षेत्र से है, जहां साबला थाना इलाके में 22 वर्षीय विवाहिता ने पीहर में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी गजराज सिंह ने बताया कि विवाहिता दीपिका ने अपने पिता के घर पर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ये लड़की दीपिका नाम की थी, जिसके पिताजी का नाम उदयजी है, जो रामा धानी उसका पियर था। उसकी शादी किए दो वर्ष हुए हैं। पाड़ा पडोली गांव में नरेश गायरी से उसकी शादी हुई थी, जो कल दिनांक 9/4/2021 को सुबह चनों में रखने वाली दवाई पी जाने से अपने पियर में ही बेहोश हो गई थी। फिर उसके माता पिता आसपुर सरकारी अस्पताल में आए, जहाँ उसको तबीयत ज्यादा खराब थी, उसको रेफर किया जो डूंगरपुर अस्पताल लेके आए थे, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। रात करीब 12:30 AM पर उसकी मृत्यु हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में सूदखोरों का खौफ हावी है, जहां कुछ दिन पहले सूदखोरों से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। अब सूदखोरों से परेशान 3 युवकों ने कलेक्टर और एसपी से मदद की गुहार लगाई है। इन युवकों को सूदखोरों से इतना डर है कि वो अपनी पहचान तक भी छुपा रहे हैं। उन्होंने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा कि यदि सूदखोरों को ये पता लगा कि उन्होंने उनकी शिकायत की है तो वो उन्हें जान से मार देंगे। ऐसे में उन्होंने एसपी से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। कुछ सूदखोरों ने हमें परेशान करके रखा है, मूल रुपए से ज़्यादा उन्होंने उनको हमने ब्याज दे दिया है, फिर भी हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है। बंदूक दिखाते हैं, दुकान पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, बार बार फ़ोन करके परेशान करते हैं कि हमारे पास वो है, पुलिस स्टेशन भी हमारे पास में ही है, वहाँ पैसे खिला देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं, खूब डरा रहे हैं हमको। हम एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को न्याय दिलाएं। मैंने भी इनसे पैसे लिए थे, ये मेरे पास भी 15-15 रुपये सैकड़े के ब्याज से पैसे ले रहे हैं। अब मैंने मेरे सब जेवर, मैडम के जेवर, ये सब मैं बेच चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, उससे पहले चिड़ाव में 2-3 दिन पहले कांड हो गया, तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जगाई है, मैं एसपी के पास आया हूँ, मैंने उनको सब बात बताई है, इन्होंने बोला हम कार्रवाई करेंगे।
प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों ने अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक रेट पर पेट्रोल मिलने के कारण हड़ताल की, जिसके कारण प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद रहे। इसका असर नागौर के मेरता और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी देखा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहीं पेट्रोल पंप बंद होने से वाहन चालकों को भी भारी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। आपको बता दें कि आज प्रदेश भर में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है और इस वजह से प्रदेश भर में रात 12 बजे तक पेट्रोल, डीजल और ऑयल की खरीद नहीं हो सकती है और इस वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वैट कम करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन, माफ कीजिएगा, ये बंद का ऐलान किया गया था और ये भी कहा गया है कि अगर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया जाएगा। प्रदेश भर में पेट्रोल पंप हड़ताल के चलते टोंक के देवली में आधा दर्जन से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद रहे। इस दौरान लोग पेट्रोल डीजल के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। आपको बता दें कि राजस्थान डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में एक दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ जिंदल ने बताया कि वैट के चलते दोनों ईंधनों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, इससे प्रदेश के सीमावर्ती वाले पेट्रोल पंप को बेहद नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने वैट कम करने की भी मांग उठाई है। अब खबर पाली के सोजत से है, जहां सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर जगदीश भाटी की ओर से पत्रकार से की गई बदसलूकी का मामला सीएमओ तक पहुंच गया है। सोजत के 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कई अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पत्रकारों का आरोप है कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कवरेज करने गए एक पत्रकार से डॉक्टर जगदीश भाटी ने बदसलूकी की, साथ ही मामला दर्ज कराने की धमकी भी दी। इसे लेकर पत्रकारों में रोष व्याप्त है। राज्य के सोलह चिकित्सालय में बहुत हालत बहुत दयनीय है। आज पत्रकार महोदय दैनिक भास्कर के जो दंजी पत्रकार है उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उनकी हम घोर सोजत विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बड़ी घोर उस डॉक्टर की जो घोर निंदा करते हैं और उस डॉक्टर की इतनी मनमाही और इतनी लापरवाही है उस डॉक्टर सोनोग्राफी वाले डॉक्टर के से पूरी सोजत विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चार विधानसभा बिलाड़ा, रायपुर, सोजत और मारवाड़ जंक्शन के जो सोनोग्राफी के जो लोग आते हैं, जो जनता आती है, उससे बहुत त्रस्त है और बहुत पीड़ित है। ऐसे डॉक्टर का जल्दी से जल्दी तबादला जैसलमेर किया जाए। पाली के सुमेरपुर में कांग्रेस नेता महेश परिहार को भारतीय आर्मी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय संगठन सचिव योगीराज आर खेल ने मनोनयन पत्र जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महेश परिहार का स्वागत भी किया। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह प्रतिषेध अभियान जारी है, जिसके चलते पहले चरण का आगाज 3 अप्रैल को किया गया, जिसका समापन 30 जून को होगा। इसी के तहत पाली के सुमेरपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित शिविर में पीएलवी सुशीला डाबी ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, बाल विवाह से बालिका के जीवन पर बुरा असर पड़ता है और कहा कि कम आयु में शादी करने से शारीरिक और मानसिक बुद्धि ठप हो जाती है। ग्रामीणों को अपने इलाके में होने वाले बाल विवाह की सूचना पुलिस, पटवारी और समिति को देनी चाहिए। ये सूचना पूरी तरह से गोपनीय भी रखी जाती है। इस दौरान संस्था प्रधान वीरा राम मीणा, गजराज सिंह, रविंद्र कुमार, वीना कुमारी, नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। जयपुर के चाकसू कस्बे के शिवदासपुरा में स्थित महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के वार्षिकोत्सव में जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम के दौरान सभागार में खचाखच भीड़ नजर आई, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर नहीं आया। समारोह के मुख्य अतिथि दौसा सांसद जसकौर मीणा भी मीणा थी। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन होता कहीं भी नजर नहीं आया।